लीफ। आज हम लोग जानेंगे कि लीफ का एक पौधे का क्या महत्व है। जैसे हमने पहले जाना है कि रूट्स जो होती हैं वो जमीन से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं और स्टेम्स की मदद से ये लीव्स तक पहुंचाती हैं। और ये लीव्स जो हैं ये सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से मिला करके फोटोसिंथेसिस करती हैं, जिससे बनने वाला ग्लूकोज जो है ये पूरी पृथ्वी के सभी सजीवों का भोजन होता है। हमने ये भी देखा कि जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है वो इन पौधों के नीचे जो स्टोमेटा होती है, मतलब जो छिद्र होते हैं, इससे ये पानी और हवा जो है बाहर निकलती है। इसे दिखाने के लिए हमने कई अलग अलग पौधों के ऊपर पॉलीथीन बैग टाई किया है, बांधा है एक घंटा पहले। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि किस पौधे में सबसे अधिक पानी की बूंदें आपको देखने को मिल रही है। इस पौधे में आप देख सकते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स काफी दिख रहे हैं। ये जो पॉलिथीन में ये जो पानी की बूंदें हैं ये ट्रांसपिरेशन के द्वारा निकली हुई बूंदें हैं। अगले पौधे पे हम जाएंगे जो कि एक बेम्बू झाऊ है और एक ये जीरोफाइटिक प्लांट है। इसमें आप देख सकते हैं कि ड्रॉपलेट्स आपको काफी कम दिख रहे हैं। ये दिख रहा है, ये बहुत ही छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं, क्योंकि जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं इनके पत्तियां बहुत ही छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। ये इसीलिए होता है ताकि ये ट्रांसपिरेशन को रोक सके, मतलब ज़्यादा पानी इन्हें जड़ों से नहीं मिल पाता है, इसीलिए ये अब उसे बचाने के लिए इनकी पत्तियां जो है काफ़ी छोटी हो जाती हैं। इसीलिए आप इस पॉलिथीन में भी देख सकते हैं कि आपको वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं दिख रहे हैं। ये हल्का ये दिख रहा है, ये बहुत ही छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, इतने बड़े नहीं हैं जितना हमने एजोरा में देखा था। अब इस ग्रास प्लांट में हम देख सकते हैं कि इसमें भी जो पॉलिथीन में नमी तो दिख रही है लेकिन वाटर ड्रॉपलेट्स जो है काफ़ी कम है। इससे ये पता चलता है कि जो मेसोफाइटिक प्लांट्स हैं ये ज़्यादा पानी सोखते हैं और ज़्यादा पानी छोड़ते भी हैं, और जीरोफाइटिक प्लांट्स या ग्रासेस जो हैं ये कम पानी एब्जॉर्ब करती हैं और एटमोसफेयर में कम पानी को छोड़ती हैं।